अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और देखिए, उदयपुर से एक खबर बता दें आपको, उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। एबीपी से जुड़े छात्रों ने जोरदार यहां पर प्रदर्शन किया है। वीसी के कार्यालय के बाहर चैनल गेट पर ताला लगा दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। परीक्षा फॉर्म पर लेट फीस कम करने और टीएडीए की कर रहे हैं ये लोग मांग। बता दें कि 3000 से कम फीस करने की मांग की जा रही है। छात्र नेता रौनक राज सिंह के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर जमकर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है, 23 जनवरी से विधानसभा का सत्र होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अवकाश के दिनों में सभी कार्यालय खुले रहेंगे। 24 घंटे कार्यशील रहने वाले विधानसभा प्रकोष्ठ करे गठित। पर्ची स्थगन, ध्यानाकर्षण का सही सूचना उपलब्ध भी कराएं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आगे बढ़ेंगे और कोटा से बड़ी खबर बता दें, रेलवे ट्रैक पर 3 मजदूरों की मौत का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर पुलिस के मुताबिक